एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। आज हम जो रेंज टेस्ट का वीडियो बनाने वाले हैं जॉय का, यहाँ पे जो वोल्फ इको नया मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ, उसका आज एक रेंज टेस्ट का वीडियो हम बनाने वाले हैं। आपको पता है कि हम रेंज टेस्ट के वीडियो हमेशा नाइट में बनाते हैं, पर अभी हम डे टाइम पे शोरूम पे इसका एक शॉट लेने के लिए आए हैं, ताकि शाम को फिर अंधेरा हो जाता था ये शॉट आने। आज वीडियो में हमारे साथ हमारे शोरूम के डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे हेड मैकेनिक और हमारा सेल्फ का जो स्टाफ है, सारा आज मेरे साथ में मौजूद है। बड़ी खुशी है उनको जो इसका रेंज टेस्ट वीडियो में आज हमारे साथ में आए हैं। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हम पूछेंगे कि आपको जॉय की जो नया ये आया है वोल्फ इको, इससे आपको मार्केट में क्या उम्मीद है, क्या इसकी सेल्स जाने वाली है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये जो वोल्फ का नया इको आया है, इसका मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आएगा? सर जॉय का वोल्फ इको बहुत ही बढ़िया है और इसकी सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है और चलने में मार्केट में बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम पे ये अच्छा चलेगा। जरा मैं हमारे मैकेनिक से पीछे पूछना चाहूंगा, जो हमारे हेड मैकेनिक है। सर मुझे बताइए कि आप जब जॉय अभी आप बेच रहे हैं, अभी काफी टाइम से आप बेच रहे हैं, तो सर्विस में आपको क्या दिक्कत आती है? सर अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं, छोटी मोटी दिक्कत आती है तो उदयपुर वहाँ पर भेज देते हैं वापस, वो रिप्लेस होकर वापस आ जाती है। अच्छा, उदयपुर में उसका डिपो है तो आपका जो भी ये रिप्लेसमेंट जल्दी वहाँ से हो जाता है। ये वोल्फ का जो इको है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज काफी अच्छा है और बैटरी काफी आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं, कहीं भी आप इससे बैटरी को ले सकते हैं। बैटरी पोर्टेबल है और बैटरी भी काफी लाइट वेट है। एक बार आपको मैं यहाँ बैटरी ओपन कर दिखाता हूँ। आपको बैटरी ओपन करने के लिए इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है तो आपकी सीट यहाँ से इस तरह ओपन हो जाती है। एक बार और, हाँ बस इस तरह ओपन होती है और आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और ये इजी गोइंग यहाँ पे खुल जाता है। अब हमारे जो मैकेनिक्स हैं हमारे साथ में, वो आपको फटाफट ये बैटरी यहाँ से रिमूव करके बताएंगे। ये अगर मैंने खोल दिया है, इस तरह से आपकी बैटरी फटाफट यहाँ से रिमूव होगी। थोड़ा सा हाँ, ये आप प्लग को पहले निकालेंगे, केबल को वहां लगा के इजी गोइंग ये बैटरी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। देखिए आप बैटरी, और बैटरी काफी शानदार है, पोर्टेबल बैटरी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कहीं भी मल्टी में रहते हैं तो इसे आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप घरेलू महिला भी हैं तो इस बैटरी को आप कहीं भी मल्टी वगैरह में ले जाके आराम से यहाँ पे इसको चार्ज भी कर सकते हैं। ये काफी अच्छी मुझे लाइट वेट लगी और ये आपको 90 से 95 किलोमीटर ये रेंज भी अच्छी खासी यहाँ पे दे देती है। तो बैटरी वापस से हमारे मैकेनिक यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करना भी काफी आसान है, जैसे आप इसको छोड़ते हैं वो अपनी जगह पे यहाँ पे फिट हो जाती है। देखिए कितनी आसानी से बैटरी आती है, तो आपने देखा बैटरी कितनी आसानी से यहाँ पे फिट हो गई है। और आज इसका रेंज टेस्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं, तो आज हम एक नए रूट जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं उदयपुर, मतलब हम यहाँ से चित्तौड़ शहर से आज हम जाने वाले हैं श्री सांवरिया सेठ के मंदिर मंडपिया, यानी कि आप देखेंगे इस साइड पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, 45 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट हमारी शोरूम की लोकेशन से बता रहा है, यानी कि 45 किलोमीटर हमें जाना है और 45 किलोमीटर हमें आना, यानी कि 90 किलोमीटर अगर ये पूरा चल जाता है तो समझ लेंगे इसकी 90 किलोमीटर पूरी जो रेंज कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है और बिल्कुल एग्जैक्ट आती है। हम इसे चलाने वाले हैं इको मोड में, तो अब हम आपको मिलते हैं शाम को वहीं रोड पे। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू। तो हम आ चुके हैं हाईवे पे और अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं, हम थोड़ा निकलने में लेट हो गए हैं और देखेंगे सामने यहाँ पे एक बोर्ड भी आ रहा है। उदयपुर के लिए आपको लेफ्ट जाना है और भिलवाड़ा के लिए आपको राइट जाना है, मतलब हमें जाना है उदयपुर रोड पर, मतलब हमें इस रोड पर 38 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। उदयपुर आपका 103 है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो हाँ दिख गया होगा, आपको दिख गया होगा। हाँ, हम जाने वाले हैं लेफ्ट में, 103 किलोमीटर उदयपुर है, तो उदयपुर तो नहीं जाएंगे पर हम जाएंगे सांवरिया जी धाम, यानी कि 37-38 किलोमीटर हमें कंटिन्यू करना है इस रोड पे। उसके बाद हमें 8 किलोमीटर अंदर के लिए लेना है। सामने कुछ डीजे बज रहा है, आप देखते हैं क्या हो रहा है, लगता है पैदल यात्री कुछ जा रहे हैं आज, फिर इसके साथ कोई अरेंजमेंट्स होगा जहाँ तो रहा है, वो पैदल ही जा रहे हैं, सब सांवरिया से जा रहे हैं आज। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सांवरिया जी के मंदिर पहुँच चुके हैं और अभी तक हम यहाँ पे 42 किलोमीटर्स आ चुके हैं। आप देखेंगे मेरे हाथ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 42 किलोमीटर्स अभी तक हम यहाँ पे आ चुके हैं, वो आपको मंदिर का ऊपर का दिख रहा होगा दृश्य।
तो अभी हम फटाफट से दर्शन करके वापस चित्तौड़गढ़ की ओर निकलते हैं। हमारी वॉल्फिको हमने यहाँ पर पार्किंग लगा दी है और हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माहौल हो रहा होगा। डालेंगे मीटर पे नज़र, आप देखेंगे 621 वॉल्ट यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट मोड में गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं ब्लॉक, सॉरी आप दिखाता हूँ ब्लॉक, यहाँ पे आरपीएम जैसा कुछ होता है। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पे आरपीएम आपके यहाँ पे ब्लिंक होते रहते हैं। तो हम फटाफट से तैयारी करते हैं निकलने की क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। देखा अभी तक 42 किलोमीटर मैं इसको लेके आ चुका हूँ, मतलब आपने यहाँ पे स्क्रीन शॉट देख लिया होगा 42 किलोमीटर, और पीछे आपको यहाँ दिख रहा होगा मतलब सांवरिया जी मंदिर में आ चुका हूँ। तो यहाँ से 43 किलोमीटर यहाँ से मुझे गूगल मैप में बताया, मैंने यहाँ की लोकेशन भी ट्रेस कर ली है, मतलब यहाँ से मैं चित्तौड़ रेलवे स्टेशन जाकर यहाँ की लोकेशन ट्रेस करने वाला हूँ कि टोटल हम कितने किलोमीटर जाए। उसके बाद अगर कुछ रेंज बच जाती है तो हम चित्तौड़ शहर जाकर इसकी रेंज पूरी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अभी तक मतलब हमें इसे 90 किलोमीटर अबाउ चलाना है, तो ठंड काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो फटाफट हम निकलते हैं चित्तौड़ की, समय शायद रात के 9 बज चुके हैं। तो चलिए राइड को करते हैं कंटिन्यू। कुछ लाइटिंग मतलब कोसुंडा बांध यहाँ से अंदर साइड 1 किलोमीटर है, मतलब अभी यहाँ से चित्तौड़गढ़ आपका 15 किलोमीटर अभी होगा। हमने 4 लेन से अंदर एंटर कर लिया, मतलब ये बोजुंदा आ चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, इससे मालूम पड़ जाता है कि ये बोजुंदा आ गया है। 56 वोल्टेज यहाँ पर बचे हुए हैं बैटरी के, वो लास्ट सेल हमारा यहाँ पहुँचा हुआ और हमें पहुँचना है लगभग 8 किलोमीटर यहाँ से हमारा रेलवे स्टेशन है। तो हम कोशिश करते हैं कि फटाफट से हम रेलवे स्टेशन पहुँच जाएं। अभी भी ट्रैफिक यहाँ पे चालू है। तो ये देखिए हमारा शहर आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है महाराणा प्रताप किले को सीधे जाना है, सांवरिया जी, कुंभा नगर, और राइट हैंड साइड में ये बिरला का जो हॉस्पिटल है, मतलब बिरला वाला चौराहा बोलते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा ये चौराहा जा रहा है बिरला वाला। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। 56 यहाँ पे आ चुके हैं आपके वॉल्ट, लास्ट सेल भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार टैप करके, ये देखिए ये हमारा बिरला वाला चौराहा है, नया अभी बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ। और ये पीछे बिरला का यहाँ पर हॉस्पिटल भी आपको शायद दिख गया होगा। शहर की लाइटिंग, ये हमारा राजीव गांधी पार्क भी जा रहा है जहाँ पे अभी सीएम साहब ने उद्घाटन भी किया था इसका। बस थोड़ा सा ये है कि जब इसके लास्ट के 2 सेल बसते हैं तो ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। आज लगता है ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हम जाके वहाँ पर टेम्परेचर भी इसका चेक करने वाले हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है ठंड का, वो भी हम अभी रेलवे स्टेशन जाकर चेक करेंगे। अभी तो फ़िलहाल 11:10 या 11:15 ही होगी। आज मैं फटाफट से गया और फटाफट से आया, बीच में जाता मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई टी ब्रेक नहीं लिया, ना मैंने कोई डिनर का ब्रेक लिया, मतलब बिल्कुल मैंने आज टाइम वेस्ट नहीं करा। मुझे पता था कि ठंड काफ़ी तेज़ है और मुझे घर पहुँच कर सोना भी है, अभी सुबह उठना भी है, इसलिए मैंने आज फटाफट बीच में जाता आपको मैंने आज शॉर्ट नहीं दिए। रेन टेस्ट का उद्देश्य था हमारा, तो हमने वही यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करी है। चले फटाफट से हम पहुँचते हैं स्टेशन। स्टेशन यहाँ से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर्स और होगा। हम अभी सेती वाले इलाके में आ चुके हैं, अगर आप चित्तौड़ शहर से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेती वाला इलाका आ चुका है। अभी हमारा सांवरिया जी हॉस्पिटल जो आने वाला है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी यहाँ पर आने वाला है। अभी 56 वॉट पे गाड़ी अभी भी चल रही है, मैंने सुना है कि 52 वॉट्स पे पूरी तरह डिस्चार्ज होती है, अब देखते हैं क्या होता है। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर लाइट दिख रही होगी, काफ़ी अच्छी लाइट यहाँ पर लगी हुई है। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड जैसे ही टर्न लेंगे और ये हमारा रेलवे स्टेशन वाला चौराहा है, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए होटल मीरा बार एंड फूड्स, और ये लेफ्ट में हमारा स्टेशन। अभी भी काफ़ी सारा माहौल है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पब्लिक यहाँ पे मुझे दिख रही है। और ये आ गया हमारा रेलवे स्टेशन, देखते हैं लाइटिंग कैसी कैसी यहाँ पे, हम कहाँ पे शॉट लेने वाले हैं, क्योंकि एक बार हम शॉट ले रहे थे
तो पुलिस वाले भी आ गए थे बीच में शॉट रुकवाने के लिए। काफ़ी अच्छी लाइटिंग और गाड़ी यहीं के हम पार्क में लगाते हैं, आज यहीं पे लगाते हैं, आज अच्छी जगह पे कहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जॉय का वोल्फ इको को मैं लेकर स्टेशन पे आ चुका हूँ। आपने देखा था कि जब मैं गया था तो मैंने वहाँ की लोकेशन ट्रेस करी थी। लगभग 42 किलोमीटर हम लेकर इसे गए थे और 45 किलोमीटर इसे मैं लेके आ चुका हूँ, यानी कि इसे लगभग मैंने 87 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ और अभी भी इसमें कुछ बैटरी बची है जिसे लेकर मैं आसानी से मेरे घर पर लेके जा चुका हूँ। देखिए गाड़ी को रेलवे स्टेशन से लेकर मैं अपने घर तक लेके आ चुका हूँ। देखिए 56.6 वोल्टेज यहाँ बता रहा है, मतलब अभी भी ये गाड़ी आपकी 10 किलोमीटर आसानी से चल सकती है, यानी कि आपको ये डे टाइम में 100 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड कर देती है। 90 किलोमीटर तो मैं इसे रन अभी तक फिलहाल कर चुका हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ लाइटिंग की, अगर लाइटिंग हम यूज़ नहीं करते हैं तो अराउंड 95 किलोमीटर तो ये आसानी से चल जाता है। जब मैं आ रहा था, जैसे मैं मंदिर से बाहर निकला तो दो पुलिस, मतलब लेडीज़ पुलिस ने मुझे रोक कर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं चित्तौड़ जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे हाईवे तक लिफ्ट मांगी, यानी कि 8 किलोमीटर हम ट्रिपल सवारी इससे लेकर आए। तो मैंने राउंड ये निकाला कि इकोनॉमिक मोड में आपको ये 95 किलोमीटर डे टाइम में रेंज ये प्रोवाइड कर देगा। ठंड काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है, टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास है और समय हुआ है 11:10। तो ये एक रेंज टेस्ट का वीडियो हमने बनाया था, जो वोल्व का नया इको RTO मॉडल आया था उसका एक रेंज टेस्ट वीडियो मैंने आपको बना के यहाँ बनाया था। मतलब ये इकोनॉमिक मोड में 95 किलोमीटर चल जाता है फर्स्ट मोड। अगर आप इसे सेकेंड मोड में चलाएंगे तो फिर आपको 75-80 की रेंज देगा, और अगर आप इसे थर्ड मोड में चलाएंगे वो मतलब 46 इसका थर्ड स्पीड जाता है टॉप स्पीड में, तो ये अराउंड आपको 60-70 के बीच में ही ये आपको रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये आपके लिए मैंने एक रेंज टेस्ट का वीडियो बनाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ना करें वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से वीडियो में, तब तक नमस्कार धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश।